हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मिथिलेश झा। आज से मैं न्यू कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑनलाइन, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड कोट के लिए स्पेशल बैच है, जो कि कंप्यूटर कोर्स आपका 12 सितंबर से 2 बजे से स्टार्ट है। इसके साथ आपको वीडियो भी मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू टेस्ट भी आपको होगा। फुल कंप्यूटर कोर्स ये इसलिए आपको कराया जा रहा है कि जितना भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होता है, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे कि फुल कंप्यूटर कोर्स एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड कोट के लिए ये सिलेबस रखा गया है, जो मेमोरी होता है। मेमोरी आप लोग क्या जानते हैं, मेमोरी के बारे में क्या जानते हैं? तो जैसे कि मेमोरी होता है कंप्यूटर में दो पार्ट का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर स्टूडेंट किसे कहते हैं, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिसे हम सिर्फ देख के महसूस कर सकते हैं और उसे कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन और दूसरा होता है ऑफलाइन एप्लीकेशन। चलिए उसके बाद क्या होता है, तो शॉर्टकट की एंड फंक्शन की। अब बहुत सारा एग्जाम में क्या होता है, तो शॉर्टकट की भी पूछने लगा है। अब उसके बाद एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्टकट की पूछा जाता है, उसके लिए स्पेशल आपको वीडियो मिलेगा, उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके बिना हम ऑपरेट करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में क्या होता है, विंडोज़ पे काम करते हैं, विंडोज़ 10, 11, और मोबाइल सब में किसका यूज़ करते हैं, तो जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉस हो गया, ये सब क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद सिलेबस नंबर टू। सिलेबस नंबर टू में क्या होता है, तो ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ब्राउजर, सर्च इंजन एंड डाउनलोडिंग, ये आपका इंटरनेट में हो गया। उसके बाद नेटवर्किंग। नेटवर्क कितने टाइप का होता है ना, 5 टाइप का होता है। सब कुछ आपको यहाँ पे मतलब डिटेल्स रूप में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स का आप एग्ज़ाम में नंबर उठा सके और क्वालिफाई कर सके। उसके बाद होता है हैकिंग वायरस। हैकिंग वायरस क्या होता है, इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद रजिस्टर एंड टाइप्स इसमें पूछा गया है। रजिस्टर भी एक मेमोरी होता है, उसको भी एक टाइप में आपको बताया जाएगा। उसके बाद कैसे मेमोरी होता है, कैसे मेमोरी क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैसे मेमोरी सबसे फास्ट तेज चलने वाली मेमोरी होती है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं आई लव इंडिया, तो यहाँ पे कैसे मेमोरी क्या होता है, एक बार जैसे कि टाइप करते आई लव इंडिया, तो जैसे ही आई लव लिखते हैं उसके साथ अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है इंडिया इसके आगे होगा, जैसे कि मोबाइल वगैरह में आप सब यूज करते होंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से फिर आपका रजिस्टर आ गया, उसका टाइप्स आ गया, कैसे मेमोरी। अब उसके बाद होता है जनरेशन। जनरेशन क्या होता है, हम जनरेशन कितने जनरेशन में अभी हैं, कंप्यूटर कितने जनरेशन में है, तो अभी हम लोग 5 जनरेशन में वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे। जनरेशन 5 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। उसके बाद विंडोज, एक्सप्लोरर एंड हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड SSD, ये सारा क्लियर कराया जाएगा। फ्लैश डिवाइस ड्राइव हो गया, लिब्रा ऑफिस हो गया एंड कंप्यूटर टाइप्स हो गया। तो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट इस सिलेबस से आपको जितना भी एग्ज़ाम होते हैं सरकारी गवर्नमेंट का, जैसे कि CHSL हो गया, CGL हो गया, कोट हो गया, और बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसको हम क्या करेंगे, ये सिलेबस पढ़ के क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।